आज हम लोग क्या करेंगे ना, जो क्लैट पीजी का एग्जाम है, ठीक है, उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो जजमेंट बेसिस पे। जजमेंट बेसिस का मतलब ऐसे है जिसमें आपको रिसेंट जजमेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें क्या इशू था, क्या फैक्ट्स था, और वो जजमेंट में क्या रीजनिंग थी या रेशो डिसेंड आई क्या था। तो हम क्या करेंगे, डेली है ना, मंथ मंथ की जजमेंट्स को कवर किया करेंगे। यानी जो मंथ में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे, उस इंपॉर्टेंट इवेंट्स में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स रही, जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ, वो हम सीखेंगे, और साथ साथ में उनकी क्या रीजनिंग रही वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे जिनको भी ये बाकी सब मंथ्स की, जो रिसेंट मंथ्स की चाहिए, तो इनके पीडीएफ ही मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। और उसके साथ साथ हम लोग रोज़ डेली कोशिश किया करेंगे कि जितनी भी जजमेंट्स हैं मंथ में जो इंपॉर्टेंट है उनको अपने डिस्कस करें। आज जो अपने 6 जजमेंट्स हैं जो जुलाई मंथ की है मेन मेन, उनके बारे में पढ़ते हैं और सीखते हैं कि उनमें क्या जजमेंट्स हुए और क्या उनका इम्पैक्ट आया। पहली जजमेंट है निपुण मल्होत्रा वर्सेस सोनी पिक्चर्स, दूसरी है फ्रैंक विटस वर्सेस नारकोटिक्स, तीसरी है मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, चौथी है गौरव कुमार, पांचवी है मिनरल एरिया डेवलपमेंट, और सिक्स्थ है मैसर्स डेमलर क्रिस्टर इंडिया वर्सेस मैसर्स कंट्रोल। तो सारी जजमेंट है ना, उसका ये जरूरी नहीं है कि आपको इनके केस याद हो, इनके क्या क्या फैक्ट्स हैं, पर आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि डिसीजन क्या आया। ठीक है, और जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, उनके अपने फैक्ट्स भी पढ़ेंगे और इश्यू भी पढ़ेंगे। तो जो भी अपने जजमेंट्स पढ़ेंगे ना, उनको अपने क्या करेंगे, इस अप्रोच में रखेंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन क्या था, फिर अपने उनका बैकग्राउंड सीखेंगे, और फिर धीरे धीरे उनके क्या आर्गुमेंट्स थे वो सीखेंगे, और फिर अपने इसको मूव करेंगे आगे। स्क्रीन सबको विजिबल है ना, ठीक है, चलो। पहली जजमेंट है निपुण मल्होत्रा वर्सेज सोनी पिक्चर्स एंड अदर्स। अब ये जजमेंट को थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं, क्या इंट्रोडक्शन क्या था। इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एड्रेस किया है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पीडब्ल्यूडी पे है, तो हमने को ये पता होना चाहिए जजमेंट किस से रिलेटेड है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मतलब जिनका 40% से ज्यादा हिस्सा काम नहीं कर रहा, वो पीडब्ल्यूडी में आते हैं। ठीक है, वो विजुअल मीडिया में हो सकते हैं, पर्टिकुलरली फिल्म्स में। ये एग्जामिन करता है बैलेंस बिटवीन क्रिएटिव फ्रीडम एंड द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। एक सवाल जो हमसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि जो डिसेबिलिटी वाला है, ठीक है, उससे रिलेटेड जजमेंट आई है, तो कौन सा एक्ट है जो उसको डील करता है। तो वो एक्ट डील करता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो ये सवाल पैसेज में बन सकता है, चले आगे। चलो, अब बैकग्राउंड क्या केस का फटाफट से देख लेते हैं। छोटा सा लिखा है, ठीक है, केस अरोज होता है, एक फिल्म है जिसका नाम था आंख मिचोली, जो किसकी फिल्म है, निपुण मल्होत्रा। निपुण मल्होत्रा का नाम भी जजमेंट में है, जो फाउंडर है ऑर्गेनाइजेशन के, जो बात करते हैं डिसेबिलिटी अवेयरनेस से रिलेटेड। ठीक है, मल्होत्रा ने ऑब्जेक्ट किया कि फिल्म में कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जिनको डिसेबिलिटी के साथ शो किया गया है, आर्ग्यूइंग इट वायलेटेड देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड प्रोविजंस ऑफ रेलेवेंट लॉज। अब वो कैसे कर रहा है वो अपने फैक्ट्स में पढ़ते हैं। पढ़े, मल्होत्रा साहब ने क्या किया, एक लीगल नोटिस भेजा सोनी पिक्चर्स को, जिसमें बोला कि जो फिल्म का ट्रेलर है उसमें कुछ दिक्कत है। फिल्म रिलीज हुई थी 3 नवंबर 2023 को, जिसको सर्टिफिकेट दिया गया था यू कैटेगरी का। ठीक है, अब यू कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिया, फिर क्या दिक्कत होगी इसमें वो पढ़ते हैं। और इनको ये दिक्कत आई कि मल्होत्रा ने पटिशन फाइल कर दी पहले दिल्ली हाई कोर्ट में, जो डिसमिस हो गई ग्राउंड पे, फिर अपील आ गई सुप्रीम कोर्ट में। फिल्म में कुछ ऐसे सीन है जहाँ पे जो पर्सन डिसेबिलिटी वाले हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन राइट वायलेट हो रही है। ठीक है, अब वो क्या चाह रहे हैं कि आप कुछ डायरेक्शंस लो, ताकि जो डिसेबिलिटी एक्सपर्ट्स हैं सीबीएफसी फिल्म में जो हो या एडवाइजरी पैनल में हो, वो कुछ गाइडलाइंस इशू करें, ताकि फिल्म मेकर्स कुछ प्रोविजन जो RPWD एक्ट के हैं उनकी टेक केयर कर सके। साथ में उन्होंने बोला एक पब्लिक एपोलॉजी दी जाए और पुनेटिव डैमेजेस दिए जाएँ फ्रॉम सोनी पिक्चर्स। अब एक बार हम क्या करेंगे, फटाफट इस केस के में रेस्पोंडेंट का क्या आर्गुमेंट है वो पढ़ते हैं। रेस्पोंडेंट ने बोला, आर्ग्यूड द फिल्म्स ओवरऑल मैसेज वाज अबाउट ओवरकमिंग चैलेंजेस ऑफ डिसेबिलिटी, स्टेटेड द फिल्म डेपिक्स स्ट्रगल्स जो फेस कर रहे हैं, और क्लेम किया कि ना तो ये स्टेरियोटाइपिकल है ना ही डेरोगेटरी है। कोर्ट की क्या रीजनिंग थी वो देखते हैं। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया जो कंटेक्स्ट है ये वाला, इसमें हमें डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है दो चीज़ों की। एक तो डिसेबलिंग हुमर, ठीक है, बहुत बार होता है ना फिल्मों में दिखाते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि लंगड़ा है अंधा है ये सब, और जो क्या है जिससे बेइज्जती लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिल्म में आप ऐसा कुछ दिखा रहे हो जिससे कोई आदमी जिसका कोई हाथ खराब है या आंखें खराब है उसको शर्म आए, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। साथ में इन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया कि जो पॉजिटिव इवोल्यूशन है डिसेबिलिटी राइट्स का, उसके बारे में ये केस लो था। ठीक है, और हमें जरूरत है
इस चीज की जरूरत है कि हम सेंसिटिव रहें और सही पोर्ट्रेल करें जो पर्सन डिसेबिलिटी है। ऐसे नहीं है कि जो डिसेबल है उनको बहुत ही कमजोर दिखाया जाए या फिर ऐसे दिखाया जाए कि ये बर्डन है फैमिली पे, ये सब नहीं होना चाहिए। अब मेन फटाफट आते हैं कंक्लूजन पे। कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दी अपील डिक्लाइनिंग टू इंटरफेयर विद द फिल्म सर्टिफिकेशन और मैंडेट स्पेसिफिक चेंजेस। हाउएवर इट प्रोवाइडेड ए फ्रेमवर्क फॉर द पोर्ट्रेल ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन विजुअल मीडिया कि हमें क्या करना है लैंग्वेज का, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन का, और जो आदमी डिसेबल हैं मीडिया वाले हैं उनकी टेक केयर करें। पर ये जजमेंट में बोला गया कि हमें रिस्पेक्ट शो करनी है किनको, जो पीडब्ल्यूडी वाले लोग हैं, और कौन से एक्ट के हिसाब से, आरपीडब्ल्यूडी के हिसाब। क्लियर है? ठीक है, पहला जजमेंट। अभी इसको एक बार फटाफट कंक्लूजन को रीड कर लो, अगर कोई डाउट्स होंगे तो मैं ले लूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ठीक है, अब अपने चलेंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट जजमेंट है फ्रैंक वीटर्स वर्सेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड अदर्स। पहली वाली तो क्लियर है ना, पहली क्या थी, एक फिल्म है जो रिलीज हुई थी, उस फिल्म में हमने बोला कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनकी बेइज्जती हो रही है, थोड़ा सा उनको डिमीन लग रहा है, उसको टेक केयर करने के लिए वो जजमेंट। फ्रैंक वीटर्स में क्या हुआ, ये जजमेंट में जस्टिस अभय ओका, जस्टिस उज्ज्वल भुयान, ये दो लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में एड्रेस किया है कि वैलिडिटी और कुछ क्राइटेरिया जो बेल कंडीशंस पे होना चाहिए, खासकर उन केसेस में जो एनडीपीएस से रिलेटेड है। फटाफट बैकग्राउंड देखते हैं। फ्रैंक वीटर्स को अरेस्ट किया गया था 21 मई 2014 को, इन पे ऑफेंस के आरोप थे, ये नहीं पढ़ना, 8/22/23 एनडीपीएस एक्ट के। इनको बेल दे दी गई 31 मई को। ठीक है, वेरियस कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे गूगल मैप्स पे या फिर कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो एश्योरेंस देते हैं नाइजीरियन हाई कमीशन से। तो बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा पता लग गया, एनडीपीएस से रिलेटेड है और बेल से रिलेटेड मैटर। फैक्ट्स क्या थे, एपेलेंट ने चैलेंज किए दो स्पेसिफिक बेल कंडीशन सुप्रीम कोर्ट की। पहली कंडीशन ये बोलती है कि आपको ड्रॉप करना पड़ेगा पीएन गूगल मैप्स पे ताकि ये लोकेशन अवेलेबल हो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। सेकेंड कंडीशन ऐसी है जो ऑब्टेन करना चाहती है सर्टिफिकेट ऑफ एश्योरेंस फ्रॉम नाइजीरियन हाई कमीशन दैट ही वुड नॉट लीव द कंट्री एंड वुड अपीयर बिफोर द कोर्ट। प्राइवेसी से रिलेटेड सा लग रहा है तो केस ना? देखे, अब गूगल मैप वाली कंडीशन से आने से पहले एक बार पेटिशनर के आर्ग्यूमेंट है वो देखते हैं। वो ये बोल रहा है कि उसकी जो राइट्स हैं आर्टिकल 21, जैसे प्राइवेसी की, अगर मैं गूगल मैप पे डालूंगा लोकेशन तो सबको पता लग जाएगा मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किधर हूँ, उस पर ये बात कर रहा है। और ये बोल रहा है कि ये सर्टिफिकेट जो है, ठीक है, आप ऑब्टेन कर रहे हो एम्बेसी से, वो हम फॉलो नहीं करेंगे। रेस्पोंडेंट बोल रहा है कि द जजमेंट डज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेट द रेस्पोंडेंट्स आर्ग्यूमेंट, साफ साफ दे भी नहीं रखे हैं। अब कोर्ट की क्या रीजनिंग है, कोर्ट ने बोला एक एफिडेविट है जो गूगल एलएलसी से हमने लिया है, कोर्ट ने फाउंड किया एक पिन डज नॉट एनेबल रियल टाइम ट्रैकिंग एंड इट इज इफेक्टिव फॉर मॉनिटरिंग द एक्यूज मूवमेंट्स, हम पूरे तरह से मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। दूसरा, कोर्ट ने बोला अगर हम कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस ऑफ अक्यूज ऑन बेल वुड वायलेट द राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। कोर्ट ने बोला कि राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करेगा। तो जब भी आ जाए राइट टू प्राइवेसी, हम पहले पुटा स्वामी वाला केस पढ़ चुके हैं तो उसको लिंक करके ये सवाल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे जजमेंट पे आते हैं फटाफट। जनरल प्रिंसिपल का कंक्लूजन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर आप ये दोनों कंडीशंस को डिलीट करो एप्लेंट बेल के ऑर्डर से, उन्होंने बोला ये अननेसेसरी है और उन्होंने लार्जर बेंच में भी फॉरवर्ड कर दिया, किसके लिए, रिकंसिडरेशन करने के लिए। कोर्ट ने ये भी बोला कि आपको ये केस हम आगे नई हियरिंग पे सुनेंगे, लेकिन कोर्ट ने बात मानी कि अगर कोई भी आपसे ये इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो आर्टिकल 21 का वायलेशन हो ही रहा है, तो हम अपना मूवमेंट और सब बताएं। ठीक है, जैसे हमने आर्टिकल 20 क्लोज 3 भी बोला था, नो पर्सन शैल बी फोर्स टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, तो हम कुछ थोड़ी देंगे, हम तो साइलेंस रहने का हमारा राइट है और हमारी जो मूवमेंट्स है वो क्यों कैप्चर करी जा रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मोहम्मद अब्दुल समाद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, जज का नाम यहाँ रखो, नागर रत्ना
अगस्टाइन जॉर्ज माशी, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है, तो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपी से बात करती है और मुस्लिम मेंटेनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, फटाफट चलते हैं। एपलेंट है मोहम्मद समद, इसकी शादी हो गई थी, एफआईआर फाइल हो गई, ठीक है, ट्रिपल तलाक वाला केस है। फिर क्या हुआ इसमें, फिर देखते हैं आगे। अपने को तो जजमेंट से मतलब है, ज़्यादा फैक्ट से डील नहीं होते, टाइम भी नहीं है। एपलेंट ने कंटेंट किया सेक्शन 125 डज नॉट अप्लाई टू डाइवर्स मुस्लिम वुमेंस पे, अप्लाई नहीं होता, तो यही इशू रहेगा। और आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, 1986 यानी 125 अप्लाई होता है मुस्लिम वुमेन पे, यानी उससे रिलेटेड जजमेंट है। जजमेंट का नाम क्या है, मोहम्मद, मुस्लिम से ध्यान रख लेना, मेंटेनेंस अब्दुल समद, ये आया हुआ भी है पेपर में। कोर्ट की रीजनिंग क्या है, कोर्ट ने एम्फसाइज किया सेक्शन 125 एक मेजर है सोशल जस्टिस का, ठीक है, ये प्रिवेंट करना चाहता है वुमेन्स की राइट को का हार्म ना हो। कोर्ट ने बोला ये प्रोविजन मेंट है स्पीडी रेमेडी के लिए, इसका मतलब मुझे लग रहा है ये कंक्लूड में यही बोलेगा, अपहेल्ड किया हाईकोर्ट का ऑर्डर और ये बोला गया कि सेक्शन 125 अप्लाई होता है। बस समझ वाले केस में बोला है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी का अप्लाई होता है। तो ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बार बार पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चले, गौरव कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट पढ़ते हैं। गौरव कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एनरोलमेंट फीस जो चार्ज हो रही है स्टेट बार काउंसिल में वो बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही सही जजमेंट था, फाइनल जजमेंट भी आया जिसमें ऐसा था कि मैंने जब एनरोलमेंट भरा था तो 70,000 रुपये लगते थे और अभी मेरे छोटे भाई ने एनरोलमेंट भरा है तो उसके कुछ 800 या 700 रुपये लगे हैं। ये जजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है, गौरव कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। CJI डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड और जस्टिस पार्थीवाला, इस जजमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपने। पहले पढ़ते हैं बैकग्राउंड। एडवोकेट एक्ट वॉज इनेक्टेड टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड कॉन्स्टिट्यूट ए कॉमन बार फॉर होल कंट्री। इट एस्टैब्लिशेस स्टेट बार काउंसिल एंड द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू रेगुलेट द लीगल प्रोफेशन। इसमें क्या हुआ था कि कुछ अलग अलग बार काउंसिल्स हैं, कोई 15,000 रुपये ले रहा है, कोई 40 ले रहा है, कोई 50 ले रहा है, तो हमें क्या करना था कि एक तो यूनिफॉर्मिटी हो और एक फीस इतनी ज़्यादा लेने का मतलब ही नहीं है। एनरोलमेंट अभी बच्चे आए हैं, वकालत करेंगे, सीखेंगे, पैसा कमाएंगे, तुम पहले ही लूट रहे हो उनको, ठीक है। तो यही जजमेंट थी कि भाई इसमें इतना फीस चार्ज करना बिल्कुल सही नहीं है और उसी से रिलेटेड ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब इसमें फाइनल जजमेंट क्या हुई उस पर आते हैं अपने, और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, आर्टिकल 14, ठीक है, करंट फीस स्ट्रक्चर है वो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, क्योंकि बहुत तो कई गरीब से आ रहे हैं, कई अमीर से आ रहे हैं, कोई आर्बिट्रेरी है, तुमने जो फीस रख दी वो रख दी, अनरिजनेबल रेस्ट्रिक्शन है ट्रेड करने के लिए, हम लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें क्यों रोका जा रहा है कि ये फीस देके, ठीक है। कंक्लूजन क्या हुआ कि स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट फीस चार्ज नहीं कर सकती बियॉन्ड द स्टिपुलेशन इन सेक्शन 24(1)(f). पेपर में पूछेंगे क्या 24(1)(f), बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या एक्सेस में है फीस आर्टिकल 14 और 19(1)(g) के। जजमेंट का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसमें क्या जजमेंट थी, कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दी रिटर्न पिटीशन, ट्रांसफर कर दिया केस, और ये जजमेंट इंपैक्ट करती है। और इसमें यही आया लास्ट में जजमेंट, यही आया है कि वो फीस कम रखनी है, इतनी 40-42,000 रखना सही नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट थी पिछले वाली। लास्ट अगला पढ़ते हैं, मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस MS Steel। इसको पढ़ने से पहले एक बार दोबारा यही जजमेंट के फैक्ट्स वगैरह देख लो, नाम याद कर लो, तुमने वापस आ एक बार इसी को एक मिनट लेके ब्रेक लेके इसको दोबारा देख लो फैक्ट्स वगैरह को, फिर डाउट्स होंगे तो मैं ले।
गोवा भरते गोवा। चलो गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, फिर से देख लेते हैं। याद कैसे रखना है, गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसको ट्रिक बना के याद कर लो। गौरव किससे है, एनरोलमेंट फीस। देखो जब भी फीस आती है हम गौर से देखते हैं ना, पैसे आते हैं गौर से देखते हैं, तो गौर से देखते हैं पैसे आते, ठीक है। चलो मिनरल एरिया वर्सेस मैसेज स्टील, किससे रिलेटेड केस है। चीफ जजमेंट इशू हुई थी सुप्रीम कोर्ट की जुलाई 25 को, तो ये बोल रहा था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं वो जो टैक्सेशन है मिनरल राइट्स का, उससे रिलेटेड केस है। कौन सी एंट्री है, एंट्री 50 ऑफ लिस्ट 2 जो सेवन शेड्यूल की है, जो स्टेट को पावर देती है टू डिवाइड टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स। बैकग्राउंड पे आते हैं, केस ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम सीरीज ऑफ अपील्स एंड रिट पिटीशन चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ वेरियस स्टेट लिवाइज और मिनरल राइट्स, ठीक है। ये चीज़ था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कुछ। एंट्री का नाम ध्यान रखना, 50 और 49 उनमें से कुछ पढ़ दो फिर। अहमदाबाद में देखा ना, आई एम बी हो, अहमदाबाद पर डायरेक्ट ट्रेन नहीं है ना दिल्ली, ठीक है। और इसमें बस जजमेंट की रीजनिंग देख लेते हैं, हमें लास्ट कंक्लूजन। कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया प्रीवियस जजमेंट को, ये बोला कि रॉयल्टी टू बी ए टैक्स इंक्लूडिंग इंडिया सीमेंट एंड सेवरल सब्सिक्वेंट डिसीजन। द कोर्ट एम्फसाइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेगुलेटरी एंड टैक्सिंग एंटिटीज इन सेवन शेड्यूल, स्टेटिंग दैट पार्लियामेंट्स रेगुलेटरी पावर अंडर एंट्री 54 ऑफ लिस्ट 1 कैन नॉट ओवरराइड द स्टेट्स टैक्सिंग पावर अंडर एंट्री 50 ऑफ लिस्ट 2। बस टैक्स रिलेटेड वाला मैटर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इस पर सवाल आ जाए, बस मोटा मोटा देख लेना, इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर ही दूंगा। लास्ट पे चलते हैं, मैसर्स डैमलर क्रिस्लर इंडिया वर्सेस मैसर्स कंट्रोल। क्वेश्चन है कि अगर आप कोई व्हीकल खरीद रहे हो कंपनी में पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, तो डायरेक्टर्स अमाउंट होंगे उसके परचेज के कमर्शियल पर्पज के लिए या नहीं होंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का केस है, सेक्शन 21D इंपॉर्टेंट है, ये वाला है कि लग्जरी कार कोई खरीद रहा है या कुछ हो रहा है तो क्या होगा, ये वाले में पहले हमें चलते हैं ब्रीफ फैक्ट्स देखते हैं। कंट्रोल एंड स्विच गेयर कंपनी लिमिटेड है, इसने 2 लग्जरी कार खरीदी थी, ठीक है, और फिर क्या किया इन्होंने, द कार वॉज इन्वॉल्व इन सीरियस एक्सीडेंट देयर द एयर बैग्स फेल्ड हो गए, बोथ केसेस में कंपनी ने फाइल कर दी कंप्लेंट NCDRC। कार मैन्युफैक्चरर ने चैलेंज कर दिया मेंटेबिलिटी ऑफ दीज कंप्लेंट्स, आर्ग्यूइंग दैट परचेजेस वर फॉर कमर्शियल पर्पस एंड दस नॉट कवर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्योंकि कमर्शियल पर्पस के लिए थे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये लग्जरी गाड़ियाँ आएंगी या नहीं आएंगी, मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए, देखते हैं अभी जजमेंट में क्या बोला गया। कोर्ट की रीजनिंग पढ़ लेना इसको फटाफट, जजमेंट में क्या बोला गया, द परचेज ऑफ व्हीकल्स बाई कंपनीज फॉर देयर डायरेक्टर्स यूज डज नॉट ऑटोमेटिकली अमाउंट टू परचेज फॉर कमर्शियल पर्पज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ईच केस मस्ट बी एग्जामिन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फैक्ट्स। तो इसमें बोला कि हर केस को अपनी तरह से देखना है, और सारी की सारी अपील डिसमिस कर दी, और इन्होंने बर्डन ऑफ प्रूफ किसने डाला है, कमर्शियल, इट प्लेसेस द बर्डन ऑफ प्रूविंग कमर्शियल पर्पज ऑन सेलर वेन चैलेंजिंग द मेंटेबिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर कंप्लेंट। और दिस रूलिंग हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर हाउ बिजनेस एंड कोर्ट इंटरप्रेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। तो मतलब कि ये केस टू केस मैटर करेगा, ऐसे नहीं होगा कि आपने ये जजमेंट गाड़ी खरीदी है किसके पर्पज से खरीदी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि ये इम्पोर्टेंट है, उस केस टू केस हम मैटर करेंगे। दोबारा देखते हैं यही जजमेंट को, एक बार आर्ग्यूमेंट भी देखते हैं। पहले क्या है कि जो व्हीकल परचेज किए हैं, ठीक है, क्या वो कमर्शियल पर्पज की कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे, कोर्ट की रीजनिंग क्या है। कोर्ट ने बोला जो प्रीवियस जजमेंट है जो ये डिफाइन करती है कमर्शियल पर्पज की, उसमें ये बोला गया है कि वेदर ए परचेज फॉर कमर्शियल पर्पज डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस बट जनरली रिक्वायर्स ए क्लोज एंड डायरेक्ट नेक्सस, द डोमिनेंट इंटेंशन और पर्पज ऑफ द ट्रांजेक्शन शुड बी टू फैसिलिट प्रॉफिट जनरेशन फॉर द परचेजर और बेनिफिशियरी, ठीक है। और इस केस में बोला बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, सेलर पे होता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है अगर ये पूछ रहे जजमेंट में, तो सेलर पे। चलो इतना बहुत है, बस अपने जजमेंट पे आते हैं। The judgment balances consumer right with fairness to business by considering factors like the period of use when determining compensation. Period of use में देखेंगे उस period में क्या particular
बाकी की जो जजमेंट्स हैं वो भी ऐसे अपने एक एक दिन करके सब महीनों के करते रहेंगे ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे और अपने सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।